सब्सक्राइब करिए टेकी गौरव हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने फोन में इस तरह का थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी रूट एक्सेस के? तो आपको जरूरत है आज के इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखने की, ताकि आप इस तरह का थीम इंस्टॉल कर सके अपने फोन में, वो भी बिना किसी रूट एक्सेस के। तो आज के इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो का हम एम रखते हैं 300 लाइक्स का, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और मिलती रहे। तो चलिए, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल टेकी गौरव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने फोन पर इस तरह का थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने फोन पर, वो भी बिना किसी रूट एक्सेस के, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारा डिवाइस जो है वो रूटेड है या नहीं, वो आप देख लीजिए रूट चेकर बेसिक। ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा डिवाइस रूटेड है या नहीं। देख लीजिए डिवाइस SMG210F एंड्रॉइड वर्जन 6.0.1 वेरीफाई रूट। आप देख लीजिए सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो हम अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप्स को। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा डिवाइस J2 2016 ही है। यहाँ आप देख लीजिए अबाउट डिवाइस, यहाँ आप देख लीजिए मॉडल नंबर SMG210F, डिवाइस नेम आप देख लीजिए गैलेक्सी J2 2016, सॉफ्टवेयर इन्फो आप देख लीजिए एंड्रॉइड वर्जन 6.0.1। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अपने फ़ोन में थीम्स इंस्टॉल करेंगे कैसे? अगर आप आपके फ़ोन में थीम्स के ऑप्शन में जाएं, तो आपको सिर्फ 4 ही थीम्स मिलते हैं, जो कि जिससे आप बोर हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, जैसे कि मैं बोर हो गया हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने सेटिंग्स पर जाना है, और अगर आपने टच विद होम में कोई अपडेट इंस्टॉल कर रखा है तो आपको पहले उसे अनइंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप यह टच विद होम के अपने सिस्टम ऐप में जाइए और अपने टच विद होम को ढूंढिए। तो यहाँ मैं सिस्टम ऐप में जाता हूँ, यहाँ नीचे जाइए टच विद होम, यहाँ वो आपका टच विद होम, ये आपका डिफॉल्ट टच विद होम है। इस पर अगर आपने कोई अपडेट इंस्टॉल कर रखी है, तो आपको यहाँ एक मोर का ऑप्शन नजर आएगा, वहाँ क्लिक करके आप अनइंस्टॉल अपडेट्स कर दीजिए, ताकि वो अपडेट्स अनइंस्टॉल हो जाए। तो जब आप अपडेट्स को अनइंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, मैं आपको दो फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो दो फाइल्स आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ उसे क्रोम ब्राउजर में खोल के। ये आप देख लीजिए कि क्रोम में मैं गया, तो जो सबसे पहली फाइल है वो है आपकी गूगल ड्राइव का लिंक है, जो कि आपको अपने ब्राउजर में या फिर आप डायरेक्टली ड्राइव में भी खोल सकते हैं। तो खोलते ही आपको एक APK फाइल का लिंक मिल जाएगा, थीम चूजर raz.apk। तो पहले इसे डाउनलोड कर लेना है, तो इसे मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है। उस पर आपको और एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो है आपका मीडिया फायर का लिंक है। तो इसमें ये 112 MB की फाइल है, तो ये आखिर है क्या, ये एक zip फाइल है जिसमें आपको J2 के लिए स्पेशली डिजाइन थीम्स मिल जाएंगी। तो आपको कहीं और से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैंने इन दोनों फाइल्स को पहले ही डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करते ही आप यहाँ देख लीजिए, मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ, ये मेरा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में जाने के बाद पहले मैंने जो आपको थीम्स का लिंक दे रखा था, पहले आपको थीम्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाता है। ये आप देख लीजिए zip, तो ये वो zip फाइल है जो कि 113 MB की है, जिसे मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है, तो इसे मैं अब फिर डाउनलोड नहीं करूँगा। तो पहले आप इसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी APK फाइल्स मिल जाएंगी, जो कि एक थीम है। तो इन थीम्स को इंस्टॉल कर लीजिए आप डायरेक्टली अपने फ़ोन में। तो यहाँ मैंने कुछ थीम्स को इंस्टॉल पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, गैलेक्सी A8 थीम, फिर यह मेरा इनजस्टिस थीम जो कि मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया है। तो इन सब को कुछ थीम्स को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने आपको एक थीम चूज़र raz.apk आपको दे रखा था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये आप देख लीजिए, मैं पहले इसे इंस्टॉल करता हूँ, ये आप देख लीजिए। और ये मेरा डिवाइस भी देख लीजिए, J2 2016 ही है, वरना फिर कुछ लोग कहेंगे कि ये दूसरा डिवाइस है जिसमें थीम सपोर्ट है, ये आप देख लीजिए। तो ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं डन। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाए दोस्तों, अगर आपको यहाँ होम स्क्रीन पर थीम्स का ऑप्शन नज़र नहीं आता है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि आपको टच विद होम का जो अपडेट है उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप उसे अनइंस्टॉल कर देंगे तो फिर आपको यहाँ थीम्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी अपडेट्स ही नहीं की, तो अच्छी बात है, फिर आपको यहाँ डायरेक्टली थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो यहाँ आपको सिंपली यहाँ थीम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ आपको दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे, एक है थीम्स और एक है थीम्स, दोनों ही थीम्स है, लेकिन थीम्स के नीचे आपको यहाँ com.sec.android.app.theme। तो मैंने जो आपको फाइल का लिंक दे दिया था वो ये है com.sec.android। आपके फ़ोन में पहले से जो थीम रहता है वो है थीम्स, जिसके नीचे आपको थीम्स ही नजर आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल है। लेकिन जो मैंने आपको दिया है वो है मोड, तो पहले आप इसे चूज़ कर लीजिए जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये तो आपको दूसरे नंबर पर नजर आएगा क्योंकि मैंने इसे पहले यूज़ कर लिया, इसलिए फर्स्ट नंबर पर नजर आ रहा है। जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है उसके नीचे आपको ये com.sec.android होना चाहिए, तो आप उसे सिंपली चूज़ कर लीजिए। तो बूम, चूज़ करते ही आपको कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए थीम्स, यहाँ आप देख लीजिए J2 2016 है मेरा, ये स्मार्ट ग्लो आप देख लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ आपको कई सारे थीम्स मिल जाएंगे, ये आप देख लीजिए, ये जो सैमसंग का बेसिक है तो ये तो प्री इंस्टॉल रहता है आपके फ़ोन में, इसलिए अगर आपने किसी भी थीम को इंस्टॉल नहीं किया तो ये सिर्फ चार ही थीम्स नज़र आएंगे। लेकिन मैंने जो आपको जिप फाइल दिया है उसमें कई सारे थीम्स हैं, इसे एक्सट्रैक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, आप किसी भी थीम को इंस्टॉल कर लें, आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है और जो आपका फ़ोन डायलर मैसेजिंग है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, बिना रूट एक्सेस के चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ टचविज़ होम का जो आइकन है वही चेंज होगा। तो यहाँ कुछ थीम्स को इंस्टॉल करके देखते हैं। यहाँ आप देख लीजिए गैलेक्सी नोट 7 का थीम इंस्टॉल करते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ आप देख लीजिए थीम अप्लाइड, और यहाँ आप देख लीजिए आपका जो आइकन है वो चेंज हो गया। तो दोस्तों आपने अपने टचविज़ होम के लॉन्चर के डिफ़ॉल्ट लॉन्चर के आइकॉन्स को चेंज कर दिया है, वो भी बिना रूट एक्सेस के। आप यहाँ पहले भी देख चुके हैं यहाँ रूट चेकर में, यहाँ आप देख लीजिए मैंने आपको पहले भी दिखाया रूटेड नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए थीम्स इंस्टॉल हो चुकी हैं, लेकिन ये दूसरे लॉन्चर में काम नहीं करेगा। आपके फ़ोन में जब प्री बिल्ट लॉन्चर आता है अगर आपने उस पर अपडेट की है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर ये ट्रिक काम करने लगेगी। दोस्तों इस वीडियो का एम है 300 लाइक, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपके लिए ये काम कर रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। जिनके पास ये सैमसंग J2 या 2016 या J2 Pro या J2 2015 है तो उन्हें जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो का एम रखते हैं 300 लाइक्स। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और नीचे अपने कमेंट्स को छोड़कर जाइए अगर आपके मन में कोई सवाल है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।